सा अल्बिनो कोकर टाइप। अल्बिनो इसका प्राइस क्या रहता है भाई? इसका 10 से 11 हज़ार। आज क्या बताने वाले हैं जावेद भाई, बताओ। ये कौन सा ब्रीड है भाई? ये गोल्डन फिंच। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। ये कौन सा? गोल्डन, येलो गोल्डन। क्या रेट रहता है इसका? 7,000-6,000। तो ये जावेद भाई घर पे बनाए सब? हाँ, यही बनाए। बैक साइड में वो नेचुरल बैनर लगा है, उनको लगना चाहिए भाई, जंगल ऐसे। ये लॉन्ग टेल। तो ज्यादातर उम्र कितनी रहती है इन रॉबर्ट्स की? 8 साल। कौन से सीजन? ये 25 से ज्यादा कर लेते ब्रीड। सीजन कौन सा रहता है इनका? ये 12 महीने कर सकते। इनको ठंडी से बचाना पड़ता है, हवा से। गर्मी कितनी बर्दाश्त कर ले। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। तो इसकी प्राइस कितने तक जाती है? सब अलग अलग प्राइस के, 4-5 हज़ार से स्टार्ट। ग्रे आउल। इसकी वैरायटी क्या है? इसकी वैरायटी बहुत सारी है। अभी तो अपने पास दो कलर है उसमें। स्पेशलिटी क्या है इसकी? ऑल फिंच है, ग्रे आउल। नीचे वाला ब्लैक है। ये अदर फिंच है, उसके पर अलग आते हैं या कोई उम्र में या कोई आवाज में? नहीं, उनका आवाज भी है, कलर अलग है, उनका ब्रीड अलग है, और फिंच अलग है। लेकिन सारे फिंच अपने इसकी ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। उनका मेडिसिन भी वो ऑस्ट्रेलिया ही आता। तो अगर मेडिसिन लेना हो तो कहाँ जाना पड़ता? ऑनलाइन वत्सला का है ना, फेमस ब्रीड है वत्सला का। लूटिन ऑफ लाइन। ये कौन सा जाए भाई? ये लूटिन ऑफ लाइन लवबर्ड्स। अफ्रीकन लवबर्ड्स। कौन सा? अल्बिनो कोकर। अल्बिनो इसका प्राइस क्या रहता है भाई? इसका 10 से 11 हज़ार। ब्रीडिंग पेयर है। आपके पास ब्रीड क्या है इसमें? नहीं, अभी लाया था। पहले कॉमन कोकर टेल थे, वो सब सेल कर दे। क्या हो जाए अल्टा भाई, क्या बोल रहे? मैं ये पक्षी का ये देख के मैं बहुत खुश हो गया। क्या बोल रहे यार भाई? ये कौन से फिंच है? वो उधर साइड के ना बंगाली फिंच है। ये पोस्टल करने के लिए, मतलब जो गोल्डन फिंच के अंडे देते ना वो खुद नहीं पालते, इनके नीचे पालते। मतलब गोल्डन कौन से, ये वाले? हाँ, ये गोल्डन खुद नहीं पालते। आप इनके अंडे उधर रखते हैं क्या? हाँ, पोस्टिंग करते हैं। और अच्छे से पाल लेते हैं? बहुत अच्छे से पालते हैं। सोसाइटी फिंच भी बोलते हैं उनको। ये सस्ता आता है, 400-500-600 रुपये जोड़े आते हैं। अच्छा, वही है क्या? हाँ, तीनों तक वही। ये भी बंगाली सोसाइटी फिंच, बंगाली फिंच भी होती है। करो ना, ये जावेद भाई का पूरा सेटअप, सब लाइट बीट सब लगाया आपने? ये गहन कचरा वगैरह उनका बीट निकालने के लिए। मेडिसिन में किधर है आपके वाली? ये क्या मिनरल है? हाँ, मिनरल। ये इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ग्रीट के लिए। ग्रीट है? हाँ, ग्रीट है वो। मतलब अंदर कैल्शियम रहता है? कैल्शियम वगैरह सारा चीजें, मतलब मिट्टी हो एक प्रकार, मिट्टी प्रकार सब मिट्टी है। और ये बाजू वाला होती है, ये उसका एंटीबॉडी है, अगर उनको ज्यादा ठंड लग गई तो कवर करने के लिए। और ये फर्टिवेट बोलते हैं इसको। इसका बड़ा डब्बा 4-4.5 हज़ार का आता है, इसलिए अपन ने लूज में लिए। ये अंडे वगैरह नहीं देती है, कच्चे आ रहे, बच्चे नहीं बनते तब यूज करते। और ये विटामिन बी का है, इससे हेल्थ अच्छी रहती है।
अंडे वगैरह में मिक्स करते हैं। ये कंटेंट क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम पाउडर है। और ये भाई डमी एग्स, ये अंडे थोड़ी दिन रखने के बाद हम लोग इसको रेस्ट करने के लिए साल भर ब्रीड करते हैं ना, तो उनके अंडे खराब नहीं होते। तो किस बात से बनती? ये राजस्थान से इम्पोर्ट करते हैं, इस पर ये देख कर मंगाए थे हम लोगों ने। नेस्टिंग मटेरियल। ये कुछ पूरा सेटअप है लव बर्ड्स का। जरूर, आप सेल भी करते हो क्या लव बर्ड्स? यस यस, आप मतलब के लिए लाए थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से कुछ सेल करना है। अच्छा, मैं आपका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जी जी, जिसको चाहिए वो कॉल कर सकते हैं। जी जी जी, डिलीवर हो जाएगा? डिलीवर तो नहीं हो पॉसिबल। अच्छा, मतलब आप बात करके बता देना। यस सर, मेरा जॉब है, स्पोर्ट टीचर हूँ मैं। हाँ हाँ, तो मुझे पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ संडे का दिन मिलता है उनके लिए। तो आपके पास सब वैरायटी है? काफ़ी ज़्यादा थी, अभी कुछ सेल कर दिया, थोड़े कुछ बचे। आप क्या, आपका नंबर मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे। जी जी, कुछ ऐसा सेटअप है बाबा। टेम्परेचर क्लॉक भी इधर बताओ। ये हमारे जावेद भाई, ये टेम्परेचर क्लॉक है। क्यों लगाया जावेद भाई? ये टेम्परेचर है, अगर ये 20 के नीचे गया तो उनको तकलीफ हो सकती है, ठंडी लग सकती है, इसलिए हम लोग हीटर वगैरह लगा के उसको बढ़ाते हैं। और 30 के ऊपर गया तो फैन वगैरह या कूलर लगा सकते हैं, मतलब मेंटेन रखना पड़ता है टेम्परेचर। जैसे ये ह्यूमिडिटी है जी 31 है अभी, इसको 45 के आगे चाहिए, मतलब 45 के ऊपर जाएगा तब अंडे फर्टाइल होते हैं। अच्छा, फिर रूम टेम्परेचर है? कितना है? 31.8 अभी। 31 है अभी। इस तरह का सेटअप है जावेद भाई का, अभी धूप है इसलिए बंद है। अरे हमारे अल्ताफ भाई, टेरेस के ऊपर बना है। क्या चीज है? हाँ जावेद भाई, ये क्या चीज है? भाई ये अपने पास पंजाबी कबूतर ना उड़ान के लिए लगते है, छतरी, पंजाबी छतरी। में पंजाब गया था चंडीगढ़, काफी 20-25 फुट जाती है। 20-25 फुट, लेकिन इसका क्या फायदा? ना नया कबूतर आते ना, उस पर बिठा कर हाथ छतरी पे बैठे हो ट्रेनिंग के लिए, नीला कलर है, तो हम लोग इसके पैर बांधते हैं ना। हाँ। इसको एरिया बताने के लिए 4-5 दिन इसको रखते हैं, फिर उसके पर छोड़ेंगे तो उड़कर यहाँ पे आएंगे। हमारे काफी कबूतर 5-7 घंटे अभी टाइम दे रहे हैं। पंजाबी थोड़े, पंजाबी कबूतर बता दो, लाल और कुछ फैंसी भी थोड़े बहुत बचे, बहुत सारे फैंसी थे अभी थोड़े बहुत बचे। वो नहीं, अपन अभी ये खाली लव बर्ड्स का वीडियो बनाया, अब आपका फैंसी वाला मैं अगला वीडियो नेक्स्ट में डालूंगा। जी जी, कबूतरों का स्पेशल। जी